नमस्कार, अभी हम खड़े हैं हरियाणा के बावल इंडस्ट्रियल इलाके में केहिन फाइव कंपनी के गेट के बाहर, जहां महिला मजदूर सैकड़ों की संख्या में 15 तारीख के बाद से लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। उनकी कुछ डिमांड्स हैं, वो किस डिमांड को लेकर प्रोटेस्ट कर रही हैं। गर्मी में दिन में दोपहर में इस खुले आसमान के नीचे बैठ रही हैं और रात को भी यहीं रातें गुजार रही हैं। आइए उनसे बात करके समझने की कोशिश करते हैं कि उनका ये प्रदर्शन क्यों है और उनकी मांगे क्या हैं। हमारी कंपनी का नाम केहिन फाइव है। यहाँ पे इतना ज़्यादा 100% पर काम लिया जाता है। सभी महिलाएं यहाँ पे 150 महिलाएं हैं। यहाँ पे इतना ज़्यादा बर्डन दिया जाता है कि मशीनों का जो सर्कल टाइम है उसके हिसाब से काम लिया जाता है। हम मशीन थोड़ी ना जो इतना काम कर देंगे। दो दो तीन तीन मशीनों पे एक एक महिला लगी रहती है। मैं 15 साल से काम कर रही हूँ यहाँ पे, और हमारा सेटलमेंट का मैटर चल रहा है जो हर 3 साल बाद होता है। हमारा 2017 में हुआ था और अब अप्रैल 2020 को होना था, वो हमारा पेंडिंग में चल रहा है। इसको लेके इस दौरान बातचीत भी चल रही है। हमारा लेबर कोर्ट तक ये मैटर पहुंच गया है और इस दौरान प्रशासन और हमारी मैनेजमेंट बिल्कुल भी सुनवाई नहीं कर रही है। हमारा ये आंदोलन हमारे एग्रीमेंट के कारण चल रहा है। हमने कंपनी हमारा हर तीन साल बाद एग्रीमेंट होता है। कंपनी से हमने समझौता कि सामूहिक पत्र डाला हुआ है जो हमारा समझौता का है, लेकिन कंपनी उस पर कोई सुनवाई नहीं कर रही है। और इस पे कई वार्ता भी हुई है कंपनी में, हुई है कंपनी में कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ी। फिर उसके बाद ALC के पास चला गया ये, फिर उसके बाद DLC के पास चला गया, लेकिन इसमें अभी कोई आगे समाधान नहीं हुआ। और बातचीत होते होते सेटलमेंट की बातचीत के चलते मीटिंग के दौरान ही हमें वर्क कमेटी की लड़कियों को सस्पेंड कर दिया गया है। हमारी कंपनी वालों ने मीटिंग के दौरान ही हमारी जो वर्क कमेटी की मेंबर्स है उनको सस्पेंड कर दिया। और सस्पेंड किया उस दिन यहाँ पे पूरी पुलिस फोर्स तैनात थी, लेडीज बाउंसर वगैरह थे और बैरिगेट वगैरह लगा दिए गए थे। अंडरटेकिंग का फॉर्म भरवाने के लिए रोक दिया, बोले हम अंडरटेकिंग का फॉर्म भर के ही अंदर जाना है, जिस पे उसमें बहुत सी पाबंदियाँ थी। ये समझ सकते हो कि आप उसमें मजदूर बिल्कुल गुलाम हो गया। उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ था कि हमारी मर्जी से ही काम करना है, सर्कल टाइम के हिसाब से काम करना है, हम दो बार ही वॉशरूम वगैरह जाना है। मतलब ऐसी पाबंदियाँ थी कि जैसे अंग्रेजों के टाइम में हुआ करती है, ऐसी पाबंदियाँ थी उसमें। पानी तक की भी यहाँ पे टॉयलेट भी 8 घंटे में 2 बार जाना पड़ता है। पानी भी बोतलें लाइन पे रखवा देते हैं, उनको डस्टबिन में फेंक देते हैं। पानी पीने का भी हमारे पास टाइम नहीं रहता, इतने करते हुए भी फिर भी हमें मतलब चैन से नहीं रहने देते, हमें बाहर कर दिया गया है। बाथरूम की सुविधा दी गई थी या नहीं दी गई? नहीं, इस दौरान हमें 2-3 दिन तो बहुत परेशानी हुई थी। यहाँ पे खुलने में सोच करके आना पड़ता था। उसके बाद हमने प्रशासन से कई बार गुहार लगाई है, तब जाके ये चलता फिरता वाला आया था टॉयलेट। लेकिन इसमें भी अब पानी की समस्या बहुत ज़्यादा, पानी नहीं डाल के जा रहे हैं, बार बार बोलना पड़ता है, उसके बाद आते हैं पानी डालने के लिए। और यहाँ पे टेंट वगैरह लगाने नहीं देते, इस कारण हम सारी महिलाएँ धूप में रहती हैं, दिन और रात यहीं पर रहते हैं। यहाँ पे महिलाएं बताई थी कि कैसे जनवरी में मशीन चेंज हो गई, उसके बाद टारगेट वगैरह बढ़ा दिए, एक ही महिला को 3-3 मशीन चलाना, 3-3 मशीन। जो पहले तो यहाँ पे कार्बोरेटर बनता था, लेकिन उसके बाद जब नया प्रोडक्ट आया है थ्रोटल बॉडी, उस पर नई मशीनें हैं, उन पर एकदम से इतना टारगेट सर्कल टाइम का हम बताते हैं कि भाई आप हिसाब लगा तो भी नहीं बता रहे हैं, और मतलब सर्कल टाइम के हिसाब से भी ज़्यादा ही बता रहे हैं। वो अपनी मर्जी का काम करवाते हैं, रात को भी यही रहते हैं, खुले में सो रहे हैं। हाँ जी, खुले में ही सो रहे हैं। अभी जैसे आप बताए थे जो आज टेंट वाले थे, हाँ जी, उनको आप ले गए हैं? हाँ जी, हाँ जी, वो टेंट वाले ले गए थे। वो टेंट हमारा किराया का था, तो इतना हमारा पॉसिबल नहीं है कि हम उनका किराया वो कर सके, इसलिए हमने उनको वापस भेज दिया और हम ऐसे इधर दरियों पे बैठे रहेंगे। इनका यही मकसद है कि यहाँ कैजुअल बंदे ले लिए जाए और इन परमानेंट इनको बेरोजगार कर दिया जाए, ये इनकी सोच है। अब हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बड़े बड़े बच्चे हो रहे हैं, 15-15 साल हो गए हमें यहाँ पर काम करते हुए। जैसे कि आपने सुना, ये 15 तारीख से मजदूर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, महिला मजदूर बावल क्षेत्र में पूरे। इनके इस प्रदर्शन की मुख्य मांग सेटलमेंट तो है ही है, उसके साथ साथ कई और तरह की समस्याएं जिनको काम के दौरान सामना करना पड़ता है, उसको लेकर भी अपने आंदोलन में सवाल उठा रहे हैं। चाहे वो इनके काम के दौरान इनको टॉयलेट जाने की पाबंदी या पानी पीने के समय एक्स्ट्रा समय जो काम करने का, और दूसरा जिस तरह से ऑटोमेशन की नई मशीनें आई हैं उस दौरान इन पर नए टारगेट बढ़ाए जा रहे हैं जो पूरा करने में ना इनको किस तरह ट्रेनिंग दी गई है, उसके बावजूद इनसे उम्मीद की जा रही है कि ये
टारगेट को बढ़ा के दें जो इनके लिए संभव नहीं हो पा रहा। इनके ये भी सवाल है जो हम रोबोट की तरह काम नहीं कर सकते, जितनी एक कैपेसिटी है उसमें काम कर रहे हैं, तीन तीन मशीनों पर एक एक महिलाओं को काम करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ इनकी बाकी समस्याएं भी हैं, इनकी अपनी समस्याएं भी हैं, परिवार को छोड़ के ये लोग 24 घंटे यहाँ बैठे हैं, किसी के छोटे बच्चे हैं, परिवार से हैं, और कई लोग ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं, ऑन रिकॉर्ड बात करने से भी, नाम देने से भी, क्योंकि नौकरी का आगे का सवाल हो सकता है, इसलिए बोल नहीं रहे, लेकिन उनकी भी अपनी समस्याएं हैं। किसी के परिवार को जाके लेटर दिए जा रहे हैं, परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है, जो आप लोगों से, अपने घर की महिलाओं से बोले जो आंदोलन से वापस जाएं। और अपने आप में इस क्षेत्र के लिए एक अनोखा है जहाँ महिला मजदूर प्रदर्शन कर रही हैं अपने अधिकारों के लिए, अपने संघर्षों के लिए। ये आंदोलन आगे किस तरह से चलेगा, आगे और कितना लंबा चलेगा, 15 तारीख से चल रहा है, अब तक मैनेजमेंट और इनके बीच में लगातार इनका दावा जो मैनेजमेंट की तरफ से कोई प्रस्ताव नया नहीं आया है, ना इनसे बातचीत की जा रही है। ये आंदोलन आगे किस तरह से चलेगा वो एक देखने की बात होगी। अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ क्लिक।